दोस्तों, टाटा इसी है और इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके लिए मैंने इसको चेक किया, अरे देखिए इसका हीटर भी आ रहा है और इंजन खाली घूम रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने इसके नोजल पाइप लूज़ किए और इसको करंट भी डायरेक्ट दिया है। अब देखिए आप, नोजल पाइप लूज़ करने के बाद क्या बता रहा है, देखिए ये तो सारा सफेद पानी आ रहा है उसमें से, डीजल में पूरा पानी आ चुका है, वाटर में भी पानी से भरा हुआ है और नोजल भी पानी से भरे हुए, कहाँ से इंजन स्टार्ट होगा। इसलिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया है इसको, जबकि मैंने इसका हीटर भी चेक किया और अभी मैं इसका डीजल फिल्टर खोल के चेक करूँगा इसका डीजल फिल्टर में क्या है इसके, क्योंकि ऊपर पानी आ गया बोले तो डीजल फिल्टर में भी पानी निकलना चाहिए और वो भी फुल, क्योंकि उसमें डीजल नहीं दिखा रहा ना, पूरा पानी चाहिए। देखो डीजल फिल्टर खोल दिया हूँ एक बॉडी और एक डीजल जो गिर रहा है तो ये निकाली बॉल वॉल जो बन रहा है तो ये पानी होता है। इसमें भी बहुत ये देखिए आप पानी कितना गिर रहा है, ये पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है, नहीं है कहाँ से चलेंगे इंजन, पूरा पानी है सब, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा जब पानी रहेगा तो। देख सकते पानी, ये देखिए पूरा पानी है, दिख रहा है, फिल्टर में खोल देता हूँ पानी और बिस्लरी उसमें से टैंक में से पानी डायरेक्ट निकाल ले, पानी भर चुका है क्योंकि अभी टाकी खोल नहीं सकते। देखिए पूरा पानी नीचे फेंका हुआ पानी है, डीजल फिल्टर पूरे भर गए थे, पानी पूरा पानी और जा रहा है और इस तरह से इसकी टाकी में पूरा पानी आ गया और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ गया इसको ऊपर में, एक अभी नीचे पूरा पानी ऊपर डीजल है और नीचे पानी है, 2-3 लीटर पानी हमने फेंक दिया निकाल कर इसमें से भी। अभी देखिए नीचे पानी है और ऊपर डीजल है इसमें, देखिए सब और एक प्रोग्राम पीछे भी रखा हुआ है पानी उठा दे रहा हूं, फिल्टर डाल दिया हूं इसको अच्छे वाले, अभी ये बिठा देता हूं इसको, ये लग चुका है और जो उसके पहले फिल्टर थे वो खराब हो चुके हैं पानी की वजह से। और ये देखिए अब ये फिल्टर देखिए, ये छोटे रिंग जो बदलती है बोल्ट के 11 के बोल्ट में, ऊपर छोटे रिंग होती है नीचे बड़ी होती है और उसके अंदर एक बड़ी होती है। ये देखिए फिल्टर रेडी हो गए, अच्छे फिल्टर है और फिल्टर मैं यही लगा दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके साथ में ये देखिए सब फिल्टर में फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ इसके अंदर पानी है, ये देखिए, ये देखिए सब पानी निकालने के लिए बंद हो गया था, हमने पानी अलग कर दिया था, तेल काफ़ी सारा था, ये देखिए पानी है, सारा पानी भरा है, उसको बाजू रख दिया हूँ, अभी फिल्टर एक बैठ चुका है, दूसरा फिल्टर बिठा दिया मैंने। देखिए अभी अभी इसके पंप में निकालने के लिए पानी आ चुका है, इसके लिए इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया है, स्टार्ट नहीं कर रहा था वो, खोल देना होगा। अभी देखिए 17 का पंप जो बोल्ट है वो खोल देंगे हम उसको, रिटर्न नीचे से लॉक करके टैंक में नहीं जाएंगे, खोल दिए अब वो बेंजू वाइशर काफ़ी सारा पानी पंप में भरा हुआ है क्योंकि पंप करके पानी ही आ रहा था, हम पंप के बॉडी में का जितना पानी देखिए वो निकाल देंगे, दूसरी जगह से नहीं निकालना पानी। अभी पंप आगे लगा ऊपर थोड़ा डीजल है वो आ रहा, थोड़ा डीजल ऊपर का पंप बॉडी में का पानी आएगा, पानी आएगा, पानी सब पूरा सफ़ेद पानी आएगी, पानी आ रहा है, मारो मारो सफ़ेद बहुत सारा पानी है। देखिए पूरा पानी 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 से भरा हुआ है, भर चुका था पानी, मेन पाइप का गैलरी वो भी पानी से भरा हुआ है, स्टार्ट नहीं होता, हमने तो प्रॉब्लम डीजल फिल्टर और डीजल टैंक के लिए पानी निकाला, पाइपलाइन में पानी कैसे निकलेगा, हीटर दियो इस तरह से निकालना, हीटर दियो कुछ भी करिए तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ा, मारो सन 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 डीजल पानी सब तो हमको समझ में आएगा इसमें पानी कितना रहा है इसमें, मारो फिर इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ये देखिए पंप मारने के बाद भी अभी भी पानी आ रहा है, भी दिखाऊंगा जब तक पानी ख़त्म नहीं होगा फिल्टर में का, तो हम मारते रहेंगे पानी में उसको निकालते रहना है। देखिए दिख रहा है ऐसा जिसमें कुछ मात्रा में डीजल भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादातर पाइपलाइन में का 85-90% पानी ही है, पानी है भरा हुआ, ये पानी पानी पूरा पंप के जरिए ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर उसको फिट कर देंगे, ऊपर से नोजल से भी एयर निकालना होगा हमको, जबकि इधर से ही वाशरूम काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा मारते मारते, अभी भी जब तक ये डीजल ना हो तक मारते ही रहेंगे हम, सर निकल चुका है अभी, देख नीचे भी हमने पानी गिरा है हल्की मात्रा में बदल रहा है जाएंगे ना, तो फिर भी अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, मारेंगे उसको शार्ट डीजल निकालेंगे पंप करते करते। अभी और पानी निकालेंगे हम जितना भी आ रहा है पानी, जब तक कलर नहीं बदलेगा उतना नहीं निकालते रहेंगे वरना स्टार्टिंग प्रॉब्लम जाएंगे ही नहीं, उसमें समस्या ना है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। देखिए इस तरह लगभग
लग रहा है 50% हो गया साहब, थोड़ा और करके साफ करके कट रहे कि आपको दिख जाए, क्लियर कर देंगे पानी है या नहीं है उसमें। थोड़ा रहा, थोड़ा रहा, लगभग साफ हो गया ऐसा लग रहा है। मैं चेक कर लूँगा मैं उसको, मार मार पकड़ रहे, मार कर देगी ये वो तो देखिए लग रहा है साफ हो चुका है, साफ हो गया इसमें पानी अभी नोजल पाइप के अंदर, और उसके जो पिस्टन है उसके अंदर नोजल के जो मुंह के पाइप जो होते हैं उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, उसको भी हमको निकालना पड़ेगा अभी। और वो भी आप स्टार्ट करने की पोजीशन में अभी देखिए इस तरह से पाँच पम्प में का पानी सब निकल गया, अब पाँच पम्प में से नोजल पाइप में जो पानी आया हुआ है वो इस तरह से निकालेंगे हम, देखिए टैंक कर लिया इंजन को, और इसके लिए हीटर देने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट ही सेल्फ मारना होगा आपको। अगर हीटर देंगे तो पाइप में कभी बैटरी डाउन हो जाएंगे जल्दी, देखिए ऐसा सेल्फ कर करके ही पानी निकालना है उसको, आपको हिसाब करके इसलिए देखना है कि पानी की मात्रा है या नहीं है, क्योंकि नोजल पाइप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता भरने के लिए, नहीं रिटर्न का तो निकाल टाइम में नोजल पाइप भर जाते ये वाला, ऐसा करते करते निकालना है। और अभी देखिए वो नहीं जाएगा पानी, ऐसी हो जाएगी तो इधर से बाहर ठीक से अंदर नहीं आ रहा नोजल में, टाइट कर देंगे नोजल पाइप और इंजन स्टार्ट कर देंगे। अभी और लूज कर दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा मात्रा में बाहर फेंक दे तुरंत, जैसे ही अभी साफ नहीं लगेगा तब तक हम नोजल पाइप में का पानी निकाल देंगे, है थोड़ा पानी एक काम करता हूँ, जैसे नोजल पाइप साफ हो जाएंगे हम तो ठीक है उसको ब्लॉक कर देंगे और फिर हीटर देके स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हमको साफ लग रहा है, फिर भी हमको एक बार और नोजल में जो गहवा है पानी वो पानी के लिए एक बार लूज करना ही होगा हमें, और इसके जो दोनों तरफ के कान होते हैं रिटर्न के उनको बचा के टाइट करना होता है, नहीं तो वो कान टूट जाते हैं, और वो टूट जाएंगे तो फिर नोजल खोल के ही रिपेयर करना होगा आपको। अभी भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला नहीं, अभी निकलेगा दो मिनट में देखिए आप, अभी टाइट कर दी हमने इसको, इसका पानी निकल चुका है, हीटर देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट के पोजिशन में आ रही है, इसके लिए एक बार हमको लूज कर देंगे और फिर उसको जैसे पानी निकल जाएगा फायर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे साफ हो जाते हो जाती है। और देखिए आ गया मौसम स्टार्ट, हीटर देना होगा इस बार, ये स्टार्ट हो चुकी है, देखो हैडल में रखना है थोड़ा वाइब्रेशन ना करें, और आप ये थोड़ी देर चलने देना होगा, और वैसे भी मैंने इसकी जो करंट है वो डायरेक्ट बाहर से लिया हुआ है, तो इससे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मुझे डाउट था कि बाथरूम का जो की है वो काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए मैंने उसको बाहर से करंट दिया था। स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया।